आइए इनसे जानते हैं बोले कहाँ से आए और कहाँ अपनी यात्रा को पूर्ण करेंगे। बोले सबसे पहले आपका स्वागत है। थैंक यू। बोले क्या नाम है आपका? महेंद्र। महेंद्र। और बोले कहाँ से आए हो आप? दिल्ली। ये जो भोले की जो मूर्ति आप लेकर चल रहे हैं तो दिल्ली तक ही किसका कंसेप्ट था? मतलब इसका बस यही है कि मेरी यात्रा सफल रहे, मेरा परिवार खुश रहे। नहीं, अधिकतर ज़्यादातर कोई टोकनी कावड़ लेकर जाता है, कोई जल को ऐसे लेके जाता है, और आप शिव जी महाराज को अपने कंधों पर बिठाकर दिल्ली तक ही जाएंगे। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। और भोले आपके साथ में कितने लोग हैं? हम 5-6 लोग हैं। 6 लोग हैं। और दिल्ली किस जगह जाएंगे भोले आप? दिल्ली द्वारका। दिल्ली द्वारिका में कौन सी तारीख में पहुंच जाएंगे? हम 14 की शाम तक। जल कितनी तारीख में उठाया था आपने? हमने कल 6 तारीख को सुबह, 6 तारीख को शाम को 7:30 बजे। कौन सी कावड़ है आपकी भोले? वैसे तो भोले मेरी ये 22वीं कावड़ है। 22वीं कावड़, यानी कि 21 साल से आप लगातार जल यात्रा कर रहे हैं। कंटिन्यू। भोले आपकी उम्र क्या होगी? मेरी है 35। ये 22वीं कावड़ है तो भोले आप लोग साथ में 6 जने हैं तो फुल एंजॉय करते जा रहे हैं। बिल्कुल 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 बोले। तो कुछ कहना चाहेंगे जनता को? जनता को बस यही है कि भोले बाबा का बस मन लगा करके अपना अपना जो भी जैसा जैसा बनता है जिसका भी वैसा करें। अपने सनातन धर्म के लिए कुछ कहना चाहेंगे? बस जो भी है बढ़िया चल रहा है, हमारा सनातन धर्म के साथ हम है। आजकल जैसे आप भी एक युवा है और जल लेकर आप जो है अपनी यात्रा को हरिद्वार से दिल्ली तक पूरा करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूँगा कि सब बाबा की शरण में आए और आप इस कावड़ यात्रा को जैसा चाहें वैसा सफल से सफल बनाएं। धन्यवाद भोले बहुत बहुत। तो देखिए दोस्तों, यात्रा की सीरीज में अनेकों प्रकार से भोले से मिला रहे हैं और ये 6 बोले हैं जो कि अपनी यात्रा और दिल्ली तक शिवजी महाराज को अपने कंधों पर बिठाकर ऐसे ही जाएंगे। और अधिक वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धार्मिक और पर्यटन स्थल की और अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट